Hi, this is Krishnu with another question of surface areas and volumes. This is question number 7 from exercise 13.4, page number 225 from NCERT. This says the diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. Find the ratio of their surface areas. So, we can surface areas ka ratio nikalna hai. Humne bola hai ki moon ka diameter earth ke diameter ka 1/4 hai. Matlab earth ka diameter bada hai moon se. So, sabse pehle assume karenge earth ka diameter. Let the diameter of earth b, इसको मिल लेते हैं d, earth का diameter अगर d है, यहां लेते हैं, let the diameter of moon b, diameter of moon is approximately 1/4, earth के diameter का 1/4 है, मतलब इसका 1/4, so 1/4 of d मतलब d by 4 होगा, इसका 1/4 है, ये earth की बात हो रही है, ये moon की, So, radius of earth क्या आएगा हमारे पास? Radius होता है diameter का half. That means d by 2. Similarly, radius of moon क्या आएगा हमारे पास? Radius of moon. मतलब इसका half करेंगे मतलब 1 by 2 into d by 4. इसका मतलब हो गया 1 multiplied by d is d. 2 4s are 8. ये आ गया radius of moon. अब दोनों का हमें find the ratio of their surface area. सरफेस एरियाज का रेशियो लेकर जब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इसकी रेडियस को हम नोट कर लेते हैं आर वन से तो दिस इज आर वन इसकी रेडियस को नोट कर लेते हैं हम आर टू से 4 पाई आर वन का स्क्वायर सो 4 पाई हम इसे पाई की वैल्यू को नोट कर रहे हैं बिकॉज जब हम रेशियो लेंगे तो वैल्यूज कट हो जाएंगे और पुट कर भी देंगे दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस सो आर1 की जगह पे लिखते हैं d by 2 का स्क्वायर सो सॉल्व करें तो 4 पाई इनटू d स्क्वायर बाय 4 इसका d स्क्वायर बाय 4 अब यहां पर r2 जैसे ये था तो सरफेस एरिया ऑफ मून हमारे पास आएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर 4 पाई इनटू r2 की वैल्यू है d बाय 8 d by 8 का स्क्वायर दैट मींस 4 पाई इनटू d स्क्वायर बाय 64 अब हमें लेना है इनका रेशियो सो सरफेस एरिया इसको हम नोट कर लेते हैं मून वाले को s अर्थ को s1 से और मून को s2 से sa2 sa1 डायमीटर मून का पहले बताया है फिर अर्थ की बात करें तो पहले आप मून का रखेंगे सरफेस एरिया फिर अर्थ So, moon का surface area मतलब SA2 by यहां तो denote अगर आप ना भी करना चाहें या directly लिखना चाहते हैं ratio of surface area of moon ratio of surface area of moon surface area of this area of earth moon का surface area हमारे पास है 4 pi into d square by 64 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अर्थ से तो 4 पाई इनटू डी स्क्वायर बाय 4 4 पाई से 4 पाई कट हमारे पास क्या बच रहा है डी स्क्वायर बाय 64 इज डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 ये वैल्यू से डिवाइड हो रही है दैट मींस डी स्क्वायर बाय 64 इनटू जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू वैसे ही हो जाती है 4 बाय डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट 4 1s are 4 16s are. So, you have your 1 is to 16. This is the ratio of surface area of moon to surface area of earth. ये ध्यान रखें किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे पहले मून की बात की गई है फिर अर्थ तो हमने मून को पहले अर्थ को आगे रखा इन केस लास्ट लाइन में मेंशन किया जाता कि पहले किसको रखना है तो हम वही देते ना मेंशन नहीं था इसलिए उसी सीक्वेंस में रखना सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.4 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस गुड बाय